हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये मंकी कैप। आप इसे हेलमेट भी कह सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही इजी स्टेप से हमने इसको बनाया है। यहाँ पर 10 नंबर की निडल मैंने इसमें यूज़ की है। नेक पर ये कंफर्टेबल रहे इसलिए यहाँ पर डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, और ये फेस पर भी कम्फर्टेबल रहे तो इसके लिए यहाँ पर हमने इसकी बाइंड ऑफ बहुत ही लूज हाथ से की है। ये देखिए, आप ये किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की कैप बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इस कैप को बनाने के लिए यहाँ पर ये बॉर्डर किया है। दो उल्टे दो सीधे का ये बॉर्डर है, और आप सभी जानते हैं ये देखिए, ये रिवर्सेबल होता है, दोनों साइड से सेम दिखता है। बस फंदे डालने की वजह से ये हमारा रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड। यहाँ पर ये मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। अगर आप इस तरह के फंदे डालना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ये पहले से हैं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये दो उल्टे दो सीधे का इस तरह से बॉर्डर बनने के बाद ये देखिए काफ़ी स्ट्रेचेबल आता है। इस तरह से इसमें स्ट्रेच काफ़ी होता है, तो ये हमारी नेक पे आने वाला है तो ये इसलिए कम्फर्टेबल रहेगा। फंदे भी अगर हम सिंपल वाले फंदे डालते हैं तो उसकी किनारी थोड़ी हार्ड रहती है, तो अगर कोई भी किसी भी तरह की आप कैप बना रहे हैं उसमें आप इस तरह के डिज़ाइनर फंदे डालिए तो वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। तो इस तरह से हमने ये इसका बॉर्डर कर लिया है। 10 नंबर की निडल मैंने इसमें यूज़ की है, और नॉर्मल वूल से मैंने इसको बनाया है। ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा बारीक है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो हो सकता है आपकी ये वाली जो है तो सिलाइयाँ कम ज़्यादा हो, तो आप जो इसका नाप है आप उसको फॉलो कीजिएगा। ये देखिए, ये 4 इंच के लगभग हमारा बॉर्डर मैंने यह बनाया है। आप चाहें तो इस बॉर्डर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको विदाउट स्ट्रेच अगर हम देखें तो ये हमारा 8 इंच है। स्ट्रेच करने के बाद तो ये काफ़ी फैल जाएगा, तो इस टाइम ये हमारा 8 इंच है। तो आप कोई भी तरह की वूल ले लीजिए, तो आप इस तरह का आप इस मेजरमेंट को फॉलो कीजिएगा। 86 फंदे डालकर यहाँ पर ये मैंने बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर बन गया है। अब यहाँ पर हम हल्की सी शेप देंगे। अब इसमें हम 4 सिलाई सीधी और उल्टी करेंगे। देखिए कैसे, ये तो आप सभी जानते होंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये मैंने 2 फंदे सीधे बुने हैं, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। इस तरह का बॉर्डर भी मेरे चैनल पर पहले से है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, हमें ये हमारी राइट साइड है तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से सीधा सीधा बुन के हमें इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये राइट सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट है। अब हम रॉन्ग साइड पर हैं तो इस साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, ये आगे की साइड। देखिए इस तरह से सीधा उल्टा बनते हुए हमने यहाँ पर ये 4 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से सीधा बुना है, सीधी साइड से सीधा बुना है और उल्टी साइड से उल्टा। ये देखिए, तो ये हमारी रॉन्ग साइड आ रही है और ये हमारी राइट साइड। अब यहाँ से हम इन फंदों को घटाएंगे। देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया है, दूसरा फंदा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। 2 फंदे हो गए, फिर इसको भी बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से उतारेंगे। फिर एक फंदा और बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पर ये 4 फंदे घट गए हैं, और बाकी की सिलाई हमारी बिल्कुल प्लेन होगी, यानी कि सीधा सीधा हम इसको यहाँ पर एंड तक बनाएंगे। इसमें हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है।
जब हमारी रॉन्ग साइड स्टार्ट होगी तो उस साइड से हम चार फंदों को घटाएंगे। तो इस रो को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये हमारी सिलाई पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी रॉन्ग साइड पर हैं, तो यहाँ पर भी हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, और जो फंदा ये हमने स्लिप किया था इस फंदे को हम अपने बुने वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे इस तरह से। इधर के भी हमें चार फंदे घटाने हैं, तीन घट गए हमारे और ये हो गए हमारे चार फंदे। तो चार फंदे देखिए हमारे इस साइड भी घट गए। अब ये हमारी पूरी सिलाई इसी तरह से उल्टी बनेगी, इसमें आगे के साइड हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। अब सीधी साइड जब हम आएंगे, सीधी सिलाई शुरू होगी, तब हमारा एक फंदा घटेगा। तो पहले इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट करते हैं। देखिए हमारी, हमने इस साइड भी ये फोर फंदे घटा दिए, इस साइड भी हमारे ये फोर फंदे घट गए। अब हम इस साइड में एक ही फंदा घटाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे को बुनेंगे और इस वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। तो हमारा एक फंदा यहाँ पर घट गया। अब पूरी सिलाई को हमें इसी तरह बुन लेना है सीधा सीधा। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। हम अपने रॉन्ग साइड पर हैं, इस साइड से भी हमें एक फंदा घटाना है। पहले हमने चार फंदे घटाए थे, इस बार हम एक ही फंदा घटा रहे हैं। सीधी सिलाई में भी घटा दिया है हमने अपना। आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं और दो का एक करके भी घटा सकते हैं। इस सिलाई को भी हम ऐसे ही बुनेंगे और आने वाली हमारी सीधी और उल्टी दो सिलाइयां और आएंगी, जिसमें हमें एक एक फंदे को और घटाना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से अब एक एक फंदा हम अपना और घटाएंगे यहाँ शेप देने के लिए। तो इस तरह से इस फंदे को बुना, इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल दिया। तो इस तरह से हमारे चार फंदे हमने एक बार में घटाए, फिर एक फंदा, फिर एक और, यानी कि छह फंदे हमारे इस साइड घट गए हैं और पांच फंदे हमारे उल्टी साइड। तो उधर भी हम एक फंदा और घटा देते हैं। तो इस तरह से हमारे छह छह फंदे दोनों साइड घट जाएंगे। देखिए फ्रेंड, तो ये देखिए हमने दोनों साइड से घटा लिया है, छह फंदे हमारे इधर से घटे हैं और छह फंदे ही हमारे इधर से घटे हैं। और अब इस तरह से हमारा ये सीधा और उल्टा बुना हुआ जा रहा है। इधर से हमें सीधी सिलाइयाँ करनी है और इस साइड से हमें उल्टी उल्टी। तो अभी इसे हमें काफ़ी लंबा करना है, मतलब जितनी भी हमें हाइट चाहिए, जिस साइज में भी हम ये बना रहे हैं उतना पहले हमें बना लेना है। ये देखिए कम से कम अभी हम इसे 7 से 8 इंच अभी हम इसको यहाँ पे ऊपर तक बनाएंगे। तो पहले इसकी मैं हाइट मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर हम जो सर के पास का जो सर की गोलाई घटाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना बुनकर ये हमने तैयार कर लिया है, इसकी मैं आपको पूरी हाइट दिखाती हूँ। 4 इंच का हमने इसका बॉर्डर बनाया था और ये जो इसकी कंप्लीट लेंथ है वो इसकी 12 इंच है, यानी कि 8 इंच ये हमारा इसके ऊपर बनाया है। तो टोटल अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे तो ये 12 इंचेस है। अब इसकी हम यहाँ पर सर की गोलाई घटाएंगे। तो ये हमारे 74 फंदे हैं जो ये टोटल फंदे हैं हमारे। तो इसमें से हम पहले 37 फंदे बुन लेंगे, इस सेंटर में उसके मार्कर लगाएंगे। सीधा सीधा ही हमें ये बुनना है। देखिए 37 फंदे हमारे ये इधर हो गए हैं और 37 फंदे ये हमारे इधर हो गए हैं।
तो हम इसमें एक मार्कर लगा लेंगे। इस तरह से आप कोई भी मार्कर लगा सकते हैं या चाहें तो कोई भी सेफ्टी पिन लगा लीजिए इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर हो गया है। तो इससे जो ये हमारा सेंटर है, इससे पहले हम तीन फंदों को ये उधेड़ेंगे। ये जो हमारे तीन फंदे हैं, ये देखिए, इन तीन फंदों में से इन दो का हम दो का एक करेंगे। एक फंदे को सिंगली बुनेंगे, मार्कर इधर डालेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे बिना बुना, इस फंदे को भी इस सिलाई में लेंगे बिना बुना, और इन दोनों फंदों को इस तरह से करके दो का एक कर देंगे, और बचे हुए फंदे को हम एज इट इज ही सीधा सीधा बुनते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से बचे हुए फंदों को हमने ये बना लिया है। अब हम अपनी रॉन्ग साइड पर, तो इसको हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी रॉन्ग साइड बनकर कंप्लीट है। अब हम अपने फिर से राइट साइड पर हैं, यानी कि अब हम अपनी तीसरी सिलाई पर हैं। सीधी सिलाई पर हमने यहाँ पर फंदे घटाए थे, उल्टी सिलाई हमने बिना कोई फंदे घटाए की है। अब फिर से हम सीधी सिलाई में इस मार्कर से तीन फंदे पहले तक इसको एज इट इज ही बुनेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर, या भैया मार्कर से पहले ये हमारे तीन फंदे हैं, एक दो तीन, जिसमें से हम पहले दो का एक करेंगे जैसे हमने पहले किया था। फिर एक फंदे को सिंगल बुनेंगे, मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे, फिर एक फंदे को सिंगल बुनेंगे, फिर ये फंदा इसमें लेंगे, इसमें ले ऐसे बुन लेंगे, उसके बाद इस फंदे को इसमें लेंगे, इस फंदे को, और फिर इनका दो का एक कर देंगे। ये फंदा हम दो का एक इस सिलाई पर लाके इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो फली बनकर आए हमारी, ये दोनों फली सेम बनकर आए। अगर हम इसको ऐसे ही करके घटा देंगे तो ये इसकी साइड अलग हो जाएगी, अलग साइड को घूम जाएगी। अब बचे हुए फंदों को हमें सबको सीधा सीधा ही बुनना है और अपनी उल्टी यानी कि फोर सिलाई बनाकर भी कंप्लीट कर लेनी है। और फिर राइट साइड पर आएंगे, फिर हम इसी तरह से घटाएंगे। देखिए फिर हम अपनी रॉन्ग साइड पूरी करके सीधी साइड के हमने ये अपने फंदे बुन लिए हैं। हम यहाँ पर फिर से दो का एक करेंगे, मार्कर से तीन फंदे पहले, इस फंदे को ऐसे ही बना लेंगे, इसमें मार्कर डालेंगे और फिर से एक फंदा बुनेंगे और इसको इस सिलाई में लेंगे इस तरह से, और फिर इन दोनों का दो का एक कर देंगे। इस तरह से करने से जो कैप का सेंटर है वो काफ़ी फिनिशिंग से बनकर तैयार होगा, इसीलिए हम इस तरह से घटा रहे हैं। अब बचे हुए फंदे को हमें एज इट इज सीधा सीधा बुनना है और उसके बाद रॉन्ग साइड भी बना लेनी है। इस तरह से ये हमारी छः रो बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह से ये हम अपनी रॉन्ग साइड पर हैं, यानी अपनी सिक्स सिलाई पर। इसमें हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना होता है और ये हमारी इसकी लास्ट सिलाई है, इसलिए अब ये मार्कर भी हम निकाल देंगे और इस सिलाई को ऐसे ही बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये रो बनकर हमारी कंप्लीट है। अब इन फंदों को हम हाफ हाफ करके इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा घटकर आया है, तो हाफ हाफ फंदे हम इस तरह से इस सिलाई में बिना बुना ले लेंगे। ये देखिए इसके सेंटर में आ गए हैं हम, ये हमारा हाफ हो गया है। तो हाफ फंदे हमारे ये हैं, हाफ फंदे हमारे ये हैं। अब आप देखेंगे जिससे बुनना है वो फंदा हमारा धागा इधर है। अगर आप इस तरह से दो का एक कर सकते हैं तो यहाँ कर लीजिए, वरना हम इसे एक ही निडल में ले लेंगे। एक इसका इस तरह से दोनों निडल में से हम एक एक फंदा इसमें कर लेंगे।
बिना बुना ले रहे हैं हम इस तरह से, क्योंकि हम अब उस साइड से बुनते हुए आएंगे, तो ये हमारी डबल सिलाई में हम काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है बुनना, इसलिए हम एक एक फंदा दोनों सिलाई का लेते हुए हम इसे एक सिलाई में ले लेते हैं। देखिए इस तरह से सारे फंदे ये हमारे इस तरह से एक सिलाई में आ गए हैं, और देखिए ये इस तरह से गोलाई आई है हमारे सर पे। अब इसका हम तीन को एक साथ फंदे को ले लेकर हम इसको बंद कर देंगे। देखिए तीन फंदे को एक साथ लेंगे और तीन का एक बुनेंगे, तीन फंदों को निकाल देंगे, इस फंदे को इसमें लेंगे और तीन का एक करेंगे। नॉर्मल बंद करना है, ना ही ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा ढीला, बस तीन का एक बनाते रहना, और इस एक फंदे को हमें इसमें ले लेना है। देखिए अब हम ये लास्ट में हैं, बिल्कुल अभी तीन है, तीन का हम एक करेंगे। लास्ट में एक फंदा बचा है हमारा, तो ये दो हैं, तो हम ये लास्ट वाला फंदा थोड़ा सा टाइट कर दीजिए आप बंद इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे। उनको कट करेंगे, इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे, बाद में इससे सुइंग से इस धागे को हम अंदर कर देंगे। अब देखिए इतना कैप तो ये हमारा बन गया है, इसको सीधा करेंगे। देखिए कैसे गोलाई आई है, बिल्कुल राउंड शेप बनकर अभी इतना हमारा बन गया है। अभी जो हमारा फ्रंट है यहाँ पर, तो यहाँ हम एक बॉर्डर बनाएंगे जो हमारे सामने आएगा ये, तो उसके लिए हम ये वाले फंदे उठाएंगे, हाफ फंदे हम इधर से उठाएंगे और हाफ इधर से, मतलब हमें इक्वल फंदे उठाने हैं, जितने आप फंदे इधर से उठाएंगे उतने ही फंदे आप इधर से उठाएंगे। तो वो हम कैसे उठाएंगे, ये देखिए ये जो पहला फंदा हम बिना बुना लेते हैं ये हमारी पूरी ही इसमें कैप में है, तो हमें यही बिना बुना फंदा लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाला जो ये चेन है, इस चेन के अंदर वाला फंदा हम लेंगे, तो ये फंदा हमने लिया और इस फंदे को हम बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये एक फंदा हमने बुन लिया है, इसी तरह से इसकी अगली चेन में डालेंगे और फिर से एक फंदा बुनेंगे, इसी तरह से इसकी हर चेन में हमें डालना है। तो पहले ये हम हाफ तक फंदे उठाएंगे यहाँ तक, और फिर हम इन फंदों को गिन लेंगे कि ये फंदे हमारे कितने हैं। देखिए सेंटर हो गया है हमारा, अब हम इन फंदों को गिन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, इक्कीस फंदे हैं ये हमारे, यानी कि हमारे ये फंदे हैं 42 फंदे ये हमारे हैं, और एक फंदा हमारा ये है, तो ये हमारे 43 फंदे हैं यहाँ से यहाँ तक, और 43 ही फंदे हमें ये यहाँ से लेने हैं, तो हम इसी तरह से बुन के उठाते जाएंगे। अब ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम बॉर्डर करके इसको बंद करेंगे ना, तो ये हमारा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। एक इंच लगभग, एक से डेढ़ इंच हम इसका फ्रंट पे बॉर्डर बुनेंगे, और उसी के साथ ये हमारी कैप कंप्लीट भी हो जाएगी। तो देखिए हाफ फंदे हमने इधर से उठाए हैं और हाफ फंदे ही ये हमारे इधर हैं, 43 फंदे इधर हैं, 43 फंदे इधर हैं, इन्हीं को लेके अब हमें यहाँ पर बॉर्डर बनाना है। तो आप जो बॉर्डर बनाना चाहें वो बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ दो उल्टे दो सीधे का बनाया है तो वो भी बना सकते हैं, एक उल्टे का एक सीधे का बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ दो उल्टे दो सीधे का बॉर्डर बनाएंगे, दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे
तो सीधे। समय दो उल्टे दो सीधे का ये बॉर्डर बनाना है। एक से डेढ़ इंच हम ये बॉर्डर बनाएंगे, बस उसी के साथ ही हमारा बनकर कंप्लीट भी हो जाएगा। देखिए अब हम अपनी ये इस साइड पर हैं, तो इस साइड से भी हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम ये छः सात सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ हम बिल्कुल फ्रंट पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा फिनिशिंग से करेंगे और कंफर्टेबल भी रहे, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो वो हम किस ट्रिक से बंद करेंगे वो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो इसी तरह से ये दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए हमें ये इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हम बाइंड ऑफ कर रहे हैं, ये जो हमारा सीधे फंदे हैं तो उसको हम सीधा बुनेंगे इस तरह से, और इस फंदे को इसके ऊपर से लेंगे, इसको भी सीधा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से स्लिप। अब ये उल्टा फंदा है अगला, इसको उल्टा लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से उल्टे में ले, ये फिर उल्टा बुनेंगे और फिर इसी तरह से हम सीधे पे सीधा बुनते हुए फंदे को उतारेंगे और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए। इस तरह से हमारी किनारी बिल्कुल भी टाइट नहीं आएगी, ये बिल्कुल ठीक आएगी। देखिए इस तरह से ये हमारी बाइंड ऑफ होती आ रही है। अब इसके हम लास्ट में ही हैं, इसी तरह से घटा रहे हैं हम, सीधे को बुन के सीधे के ऊपर से इसको उतार रहे हैं। बाकी आपको जो भी तरीका आता है आप उससे इसको बंद कर सकते हैं, बस इससे इसकी किनारी टाइट नहीं होगी। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इसका इस तरह से बॉर्डर बनकर ये तैयार हो गया है। यहाँ पर इसकी ये गोलाई आई है, हम इसको उल्टा करेंगे। अब यहाँ से लेके हम इसको यहाँ तक स्टिच कर देंगे। ये जो हमारे ऊन के हमने धागे काटे हैं इनको हम साथ ही साथ इसमें सिलाई में इस तरह से इसको ले लेंगे। बस आपको ये यहाँ पर ये चेन वाले फंदे को आपको इसको लेना है। इस तरह से इनको हमने दबा दिया है, और ये जो छोटे से हैं इनको हम एक्स्ट्रा हैं तो हमने इसको इस तरह से कट कर देंगे। तो आप चाहें तो इसका ये लास्ट वाला फंदा लेके इस तरह से आप इसको स्टिच कर सकते हैं, और या आपको कोई और तरीका आता है तो आप उससे भी इसको सी सकते हैं। ये देखिए ये स्टिच होकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए आपको ये काफ़ी नेक का छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, तो ये इजीली हमारे नेक पर आएगा, और ये कंफर्टेबल इसलिए होने वाला है क्योंकि हमने यहाँ पर ये डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। तो ये बनकर हमारा कंप्लीट है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।